150 kgs, फिल्म आई थी एक सुमो रेसलर पे, और एक अंकल हमें मिले थे, मेरी मॉम को बोला अरे आप लोग अगर एक सुमो रेसलर पे फिल्म बनाओगे आपको सुमो रेसलर कास्ट करने की जरूरत नहीं, आपके तो घर पे एक सुमो रेसलर है। दैट वाज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी। और 3-4 बजे तक संगीत चली और सुबह 9 बजे के रिचुअल्स थे, तो मैं एंशियसनेस और एक्साइटमेंट में मैं सोया ही नहीं रहा था। अब जब मैं सुबह पहुंचा हूं, oh, you're liking the chat then. मैं अपने चीट डे पे इधर जरूर आऊंगा। ये नोटेड है कि जैकी जी आ रहे अपने चीट डे पे इमली पर। सो जैकी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑन योर वेडिंग। थैंक यू। कुछ एकदम अमेजिंग इनसाइट देना चाहोगे अपने वेडिंग को लेकर? संगीत की रात थी, इट वॉज एग्जैक्टली जैसे हमने सोचा था, जो ड्रीम संगीत मैंने सोचा था, और 3-4 बजे तक संगीत चली और सुबह 9 बजे के रिचुअल्स थे, तो मैं एंशियसनेस और एक्साइटमेंट में मैं सोया ही नहीं रहा था। अब जब मैं सुबह पहुंचा हूँ बिना सोए, आप सोच सकते हो मेरा क्या हाल था। ऑलमोस्ट 36 hours विदाउट स्लीपिंग। इट वॉज अ फनी इवनिंग, यार। इट वॉज एग्जैक्टली लाइक हाउ आई ड्रीम्ड ऑफ, आई हैड ड्रीम्ड ऑफ, और लाइक शी हैड ड्रीम्ड ऑफ। व्हाई गोवा? एक्चुअली अ लव स्टोरी फ्लरिश्ड इन गोवा व्हेन वी स्टार्टेड, व्हेन वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन गोवा, दैट्स व्हेन वी रियलाइज्ड दैट यू नो दिस इज इट, गोवा इज द प्लेस। दिन की शुरुआत कैसे होती है आपकी? पहले थोड़ा गर्म पानी पीता हूं, देन फर्स्ट थिंग वी डू इज वी गो एंड वर्कआउट, बिकॉज उसके बगैर हमारा दिन अच्छा नहीं जाता है। सो वी गो एंड वर्कआउट एंड देन आई गो टू ऑफिस एंड कंटिन्यू विद माई डे। हमारा शो का नाम है खट्टी मीठी बातें, तो हम आपके साथ बहुत सारी खट्टी मीठी बातें करेंगे। चलिए, हमें सबसे पहले बताओ, व्हाट इज द मोस्ट खट्टी थिंग अबाउट यू? मेरा ना बहुत विकेट सेंस ऑफ ह्यूमर है, काफी लोगों को समय लगता है समझने में, क्योंकि मैं थोड़ा स्ट्रेट फेस के साथ बोलता हूँ, तो कभी कभार जो मुझे नहीं जानते हैं उनको लगता है कि ये सीरियस है, ये जोक कर रहा है, ये क्या कर रहा है। सो ऑल माय फ्रेंड्स एग्जैक्टली नो व्हाट्स हैपनिंग। टेल अस नाउ, व्हाट इज द मोस्ट मीठी थिंग अबाउट यू? आई लाइक टू सी द गुड इन पीपल। कैसा भी इंसान हो, देयर इज अ नाइसनेस इन एवरीवन एंड आई लाइक टू सी दैट आल्सो। ओह, यू आर लाइकिंग द चाट देन। आपके लिए खास हमने बनाया हेल्दी वाला। व्हाट्स योर ऑल टाइम फेवरेट डिश? पैन एशियन में आई लाइक शेजवान चिकन एंड फ्राइड राइस। आई लाइक सुशी। आई लाइक थाई करी राइस एंड आल्सो पाद थाई नूडल्स। आपने कहा कि आप कोलकाता से हो, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि मतलब आपका वहाँ पे सबसे फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या हुआ करता था? पुचका। हमारे पास है कोलकाता वाली पुचका, सेम चना डाल के, मैं अपने चीट डे पे इधर जरूर आऊंगा। जैकी जी आ रहे अपने चीट डे पे इमली पर। Ours is a food show and you said that you are from Kolkata. आपका favorite spot तो होगा कोलकाता में? Park Street पे ना? हाँ। वहाँ पे वो पुचके वाले, झालमुरी वाले, उधर एक चिकन रोल वाला बैठते एक गली में, it's amazing। तो एक बार मुझे याद है मेरा शूट था, मैं कलकत्ता गया था अपने कजन के शादी में जी, और मेरा एक शूट था उसमें एब्स एब्स दिखाने थे, और मैंने बोला मैं कलकत्ता आया हूँ, हाउ कैन आई नॉट हैव चिकन रोल। मैं घर से, आप मानोगे नहीं, मैं जवार की रोटी बना के ले गया, क्योंकि वो मैदे का रोटी होता है जी। आई टोल्ड दैट भैया कि भैया दादा आप मिल लेना, चिकन रोल बना दो, लेकिन मैं अपनी रोटी लाया। तो ये सर, तुम अपनी रोटी लाया है, तुम अपनी रोटी लाया, तुमको सिर्फ एग वाइट चाहिए, उसमें येलो नहीं चाहिए, और तुमको ये नहीं चाहिए, लेकिन हम पैसा पूरा लेगा। हाँ। आप दादा पैसा पूरा लो, लेकिन आपको मेरी रोटी में बना के दो। भैया जी को भी पता था कि इनको बनाना कैसे है, मतलब हेल्थ वाइज देखकर। डू यू नो माय असमीज कनेक्शन? माय मॉम्स डन अ स्कूलिंग इन जोरहाट। Oh, okay. She speaks fluent Assamese. Oh. So I am very emotionally connected to Assam. I went to Kamakhya Devi temple now. I met a lot of filmmakers there. I told them ki if anyone in Assam ever feels that they need to reach out to anyone in Bombay, just think I am like the son of Assam. Because my mom is Jorhat aur Assam ka naam dekh ke na aise aise unki aankhein mein na aise chand aa jata hai. Are you a solo traveler or a group traveler? Actually till I met Rakul, yes, I was a solo traveler. Where have you backpacked? Lot of places in India. Shillong I really like. Abhi kuch wild cheeze batao. Like wildest thing you have done in a trip. Main to arrest bhi ho chuka hu ek baar. Arrest nahi tha. Wo tha ki you know police, ek police walon ko laga tha ki main chor hu. क्योंकि एक रास्ता था उसको क्रॉस करके जाना था, मैंने दोस्तों ने बोला कहाँ क्रॉस करके जाएंगे, ये बिल्डिंग को जंप मार के देहरादून में, तो हमने बोला यार इतना लंबा है, काम करते हैं ये बिल्डिंग जंप मार के चले जाते हैं। तो हम जंप मार के जब जा रहे थे, उनको लगा हमको चोरी करके जा रहे हैं शाम का टाइम, तो हमको पकड़ के ले गए कि तुम लोग कहाँ से हो, तुम कहाँ कर रहे हो, स्टूडेंट्स हो, चोरी कर रहे हो। हमने बोला नहीं चोरी कर रहे थे, हम सिर्फ
शॉर्टकट ले रहे थे, शॉर्टकट ले रहे थे। ऐसी बहुत सारी चीजें करी है, कभी गाड़ी खराब हो गई, बहुत सारी चीजें मैं कैमरा में बोल नहीं सकता। शेयर योर एम्बैरेसिंग मोमेंट विद अस, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। व्हेन आई वाज 150 केजीस जी, तो एक फिल्म आई थी एक सुमो रेसलर पे, तो आई हैड गॉन विद ऑल माय फैमिली मेंबर्स और एक अंकल हमें मिले थे जो खुद भी ओवरवेट थे। मेरी मॉम को बोला, अरे आप लोग अगर एक सुमो रेसलर पे फिल्म बनाओगे तो आपको सुमो रेसलर कास्ट करने की जरूरत नहीं, आपके तो घर पे एक सुमो रेसलर है। दैट वाज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी, बट एक्चुअली दैट वाज माय मोटिवेशन आल्सो। उस दिन के बाद मैं पतला होना शुरू। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ रकुल? शी इज एन ऑनेस्ट सेल्फ मेड पर्सन व्हिच आई रियली रिस्पेक्ट। आई रियली अप्रिशिएट एवरीवन हू इज सेल्फ मेड, बिकॉज आफ्टर हैविंग सर्टेन प्लेटफॉर्म्स इट्स स्टिल वेरी डिफिकल्ट। पीपल लाइक यू राइट हूव कम विदाउट इवन दैट प्लेटफॉर्म, so that really you know strikes you strikes me and I am fully vocal about it ki you know main usko appreciate karta hu and that's what I appreciate about Rahul. theek hai, abhi ek bahut hi fun game karte hain, this or that wala. yeah theek hai, aapko choices main dungi, aap bas select karo. yeah. theek hai, so vada pav ya pani puri? vada pav. no actually pani puri. sindhi dal pakwan ya luchi aur aloo pasto? sindhi dal pakwan. pav bhaji ya masala dosa? पाव भाजी। कड़ी चावल या छोले कुलचे? छोले कुलचे। रबड़ी जलेबी या गुलाब जामुन? रबड़ी जलेबी। मूंग दाल कचौड़ी या प्याज कचौड़ी? मूंग दाल कचौड़ी। भेल पूड़ी या सांबर वड़ा? सांबर वड़ा। मसाला चाय या फिल्टर कॉफी? फिल्टर कॉफी एनी डे। सनराइज या सनसेट? सनराइज। माउंटेन्स और बीचेस? बीचेस। बॉम्बे सैंडविच या क्रिस्पी डोसा? क्रिस्पी डोसा। फ्रेंकी या कोठू परोठा? फ्रेंकी। कीमा पाव या रसम? कीमा पाव। कोल्हापुरी चिकन या चेटीनाड चिकन? कोल्हापुरी चिकन। मोदक या पायसम? पायसम, क्योंकि उसमें गुड़ होता है। अगर मैं संडे को आऊँ ना, जो मेरा चीट डे है, हाँ जी, इसमें से कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स दैट वी शुड नो अबाउट? बड़े मियां छोटे मियां, मुझे पता बड़े मियां छोटे मियां के सेट्स में सबसे बड़ा प्रैंकस्टर कौन था? व्हेन यू हैव अक्षय सर ऑन अ सेट, सबसे ज्यादा मस्ती और सबसे ज्यादा मेकिंग श्योर कि सबको मजा आ रहा है, वो अक्षय सर ही मेक श्योर करते हैं। अक्षय कुमार राइट, तो उनको पता है कि लोग इंटिमिडेट होते हैं, तो वो आते ही ना लोगों के साथ, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ही मेक श्योर दैट यू नो पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन। योर मोस्ट फेवरेट को एक्टर यू हैव वर्क विद? एज अ प्रोड्यूसर अक्षय सर। एंड एज एन एक्टर? अक्षय सर। अक्षय सर, सो आई एम गेसिंग कि आप अक्षय सर फैन हो? 100% अक्षय सर फैन। अक्षय सर फैन मतलब बिकॉज़ लाइक आफ्टर माय फादर इफ आई हैव लर्न समथिंग फ्रॉम समवन और हु आई लुक अप टू और हुज माय मॉडल इज अक्षय, नो अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिप्लिन, फन, यू नो इकोनॉमिक्स, क्रिएटिविटी, time management, everything put together. So, एक never have I ever challenge आपके साथ हम करेंगे, ठीक है? अगर आपने cheers, अगर आपने किया है तो take a sip, नहीं किया है तो don't. Okay. So, never have I ever sang in public. मैं कुछ भी gibberish गाता हूँ. कुछ भी गाता हूँ. Never have I ever eaten someone else's food on set. Never have I ever googled myself. Never have I ever stolen anything. What have you stolen? I think the only person I have stolen food from is Rakul. Because she and me eat the same food. Never have I ever created a fake social media account. Never. Never have I ever cheated on a strict diet. Today is the day. Yeah. Never have I ever reached late on set. I have. Never have I ever learned a foreign language. I have tried. Me too. Which one? In our number 3, 2, 1. French. Korean. Can you say something? Je suis, il est, nous sommes, vous êtes. Ooh. Je m'appelle Jackie. Nice. Never have I ever forgotten my lines and then improvised. Yeah. Yep. It was really nice talking to you, sir. Same, yeah. Thank you so much. Thank you so much, and thank you for having me. Thank you so much. Thank you for coming to Imli. और सबसे ज्यादा खट्टी मीठी तो ये थी ना। वी आर गेसिंग कि संडे को आप वापस से आओगे इमली। 100% एक संडे जरूर आओ। एक संडे तो जरूर आओ। 100% थैंक यू। थैंक यू। चीयर्स।